जब हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इंजन की बात आती है। इंजन की कितनी पावर है और इंजन कितने सिलेंडर का है। अगर ट्रैक्टर एक शरीर है तो इंजन उसकी आत्मा है। इसलिए जब भी हम ट्रैक्टरों की बात करते हैं तो हम जरूर देखते हैं उसमें कितने सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैक्टरों में ज्यादातर 3 और 4 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह के इंजन अपनी अपनी विशेषताओं है। इस वीडियो में हम आपको 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन के फायदे और नुकसान बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं 3 सिलेंडर इंजन क्या होता है। 3 सिलेंडर इंजन में 3 सिलेंडर एक लाइन में सामान्य क्रैंकशाफ्ट के साथ व्यवस्थित होते हैं। इसमें हर 120 डिग्री पर पावर जनरेट होता है, मतलब एक चक्कर में 3 बार इंजन को शक्ति मिलती है। 3 सिलेंडर इंजन के फायदे: उच्च ईंधन दक्षता। 3 सिलेंडर इंजन हल्का होता है और इसमें चलने वाले पुर्जे कम होते हैं। पुर्जे कम होने से घर्षण कम होता है, इसलिए 3 सिलेंडर इंजन में 4 सिलेंडर इंजन की तुलना में कम ईंधन लगता है। सस्ता: 4 सिलेंडर इंजन की तुलना में 3 सिलेंडर इंजन में कम पुर्जे होते हैं और कम धातु का उपयोग होता है, इससे इसकी निर्माण प्रक्रिया भी सस्ती हो जाती है। इसलिए 3 सिलेंडर इंजन वाले ट्रैक्टर 4 सिलेंडर इंजन वाले ट्रैक्टरों की तुलना में सस्ते होते हैं। कम फ्रिक्शन: क्योंकि इस ट्रैक्टर इंजन में कम मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, जिससे कि फ्रिक्शन लॉस कम होता है। छोटा आकार: यह इंजन एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, इसलिए यह कम जगह में भी फिट हो सकता है। दोस्तों, हर चीज के नुकसान और फायदे होते हैं और यह बात 3 सिलेंडर इंजन के लिए भी सही है। तो आप पहले ये जानिए कि इसके क्या नुकसान हैं। ज्यादा कंपन: 4 सिलेंडर इंजन में कम कंपन होता है क्योंकि 2 पिस्टन ऊपर जा रहे हैं और तभी 2 पिस्टन नीचे आते हैं, पर 3 सिलेंडर इंजन को संतुलित करना मुश्किल है क्योंकि इसमें 3 पिस्टन होते हैं, इसमें अधिक कंपन होता है। अधिक शोर: 3 सिलेंडर इंजन आमतौर पर 4 सिलेंडर इंजन की तुलना में अधिक शोर करते हैं। सीमित शक्ति: 3 सिलेंडर इंजन सीमित शक्ति वाला एक छोटा इंजन है, इसलिए कृषि से जुड़े भारी कामों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। 4 सिलेंडर इंजन क्या होता है? 4 सिलेंडर इंजन में 4 सिलेंडर एक सीधी रेखा में या वी आकार में स्थित होते हैं। यह इंजन एक चक्कर में 4 बार पावर देता है। 4 सिलेंडर इंजन 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले कई ज्यादा फायदे देता है, जैसे ट्रैक्टर को जुताई और अधिक भारी भार खींचने में 4 सिलेंडर इंजन का उपयोग होता है क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन आमतौर पर अधिक टॉर्क पैदा करते हैं। अधिक टॉर्क से ट्रैक्टर को अधिक शक्ति मिलती है। 4 सिलेंडरों वाले इंजन में कम कंपन होती है। कंपन कम होने की वजह से यह ड्राइवर के लिए भी बहुत आरामदायक रहता है और वाहन की टूट-फूट को भी कम करता है। 4 सिलेंडर इंजन का उपयोग हल्के और भारी दोनों तरह के कृषि कामों में किया जाता है, जैसे कि घास काटना या भार को ढोना और जुताई आदि। 4 सिलेंडर इंजन का 1 पिस्टन हमेशा पावर जेनरेट करता है, इसलिए आपको हमेशा ही पावर मिलेगी, जिससे कम और उच्च आरपीएम रेंज में लगातार अच्छा आउटपुट देता है। हालांकि 4 सिलेंडर इंजन बहुत ज्यादा लाभ देता है, इसकी कुछ कमियां भी है।
आइए इसके नुकसानों को जानते हैं। आमतौर पर चार सिलेंडर इंजन तीन सिलेंडर इंजन की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। तीन सिलेंडर इंजन की तुलना में चार सिलेंडर इंजन अधिक ईंधन की खपत करते हैं। चार सिलेंडर इंजन का रखरखाव अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि इसमें अधिक पार्ट्स होते हैं। हमने दोनों इंजन के फायदे और नुकसान की बात कर ली, लेकिन दोनों में से कौन सा इंजन लेना चाहिए? चार सिलेंडर इंजन और तीन सिलेंडर इंजन के अपने अलग फायदे और नुकसान हैं। जहां एक तरफ चार सिलेंडर इंजन अलग अलग आरपीएम रेंज में लगातार अच्छा प्रदर्शन देने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी ओर तीन सिलेंडर इंजन सस्ते और अधिक ईंधन कुशल हो सकते हैं। वे अक्सर हल्के होते हैं और सिलेंडरों की संख्या कम होने के कारण कम ईंधन खपत होती है। चार सिलेंडर इंजन बनाम तीन सिलेंडर इंजन, तीन सिलेंडर वर्सेस चार सिलेंडर इंजन के बीच का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कृषि के कार्य, माल परिवहन आवश्यकताएं, ईंधन दक्षता की जरूरतें, बजट संबंधी विचार आदि। आप इन सभी बातों पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।